गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है स्टिल लाइफ। आज हम सीखेंगे कि स्टिल लाइफ को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, किस तरीके से हम उसको पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं रफ डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा मेजरमेंट करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, बुक जो हमारा नीचे का बेस है बुक का, वो हमें सबसे पहले लेना है कि किस तरीके से हम एक बुक को बनाएंगे। ये हमारा जो साइड है, यहां से लेके यहां तक जो हमारा बुक का साइड है, वो सबसे पहले हमने यहां पर लिया। हमने ये वाला पोजीशन लिया, इसकी डायरेक्शन हमें पता चली। अब हमें क्या करना है, बुक का जो ऊपर का हाइट है, ठीक है, एक रफ हमारे यहां पर एक पोर्ट जो हमें मिला हुआ है, वो पोर्ट हमारा है, हमें क्या करना है, उस पोर्ट का भी एक रफ डायग्राम जो है वो यहां पर एक पेपर पर हमें बनाना है। ये रफ डायग्राम हमने पेपर पर बनाया, यहां से मान लो ये सपोज ये बॉक्स बना हुआ है आपका, ठीक है। अभी जस्ट हम इसमें मेजरमेंट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से। देखो इसमें क्या रहता है, सबसे पहला मेजरमेंट, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसका लेंथ है यहां से लेके और अपना जो बुक का बेस है जहां पर हम इसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन, ये हमारा बेस होता है। हमें यहां तक इसका जो मैक्सिमम हाइट है, ये क्या हो गया हमारा हाइट। जब हम अपना पेंसिल से देखेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट रहेगा, और यहां से लेके यहां तक जो हमारा मैक्सिमम लेंथ है, ये क्या हो गया मैक्सिमम लेंथ। ये हमें मैक्सिमम लेंथ लेना है। किस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे, सबसे पहले पेपर डिवाइडेशन, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा पेपर डिवाइडेशन है। हमें क्या करना है, हाथ को पूरा हो स्ट्रेट ओपन करना है, देन इसके टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट इन द सेंस यहां पर, और इसका जो बॉटम पॉइंट है दिस पॉइंट, ये इसका बॉटम पॉइंट है, यहां तक हमें देखना है उसको, अपना पूरा हाथ खोलना है, यहां तक हमें मेजर करना है। जितना भी सपोज आपको दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये इतना दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जितना इसमें आपका जो हाइट है, मानो सपोज आपको पेंसिल पर ये इतना दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना होता है, इसको थ्री टाइम, फाइव टाइम, सेवन टाइम या नाइन टाइम हमें मार्क करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, थ्री टाइम, फाइव टाइम, सेवन टाइम या नाइन टाइम। हम एक स्केल रखते हैं, सपोज हम इसमें फाइव का स्केल रखेंगे, ठीक है, फाइव का हमारा स्केल हो गया, तो जितना भी मेजरमेंट है वो हमें फाइव के अकॉर्डिंग ही रखना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर बनाते हैं, ठीक है, उस पेपर पे आप स्टेप बाय स्टेप रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां, ठीक है, मैंने पेपर के लिए लाइन बनाया, ये मेरा पेपर, इस पेपर में मुझे सबसे पहले पेपर डिवाइडेशन करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, उसमें जितना आपको मिलता है, सपोज मुझे ये देखने पे ये इतना दिखाई दिया, मैंने जितना भी मुझे मिला वो मुझे क्या करना है, यहां पर रखना है, पेपर के इस पॉइंट को मुझे याद रखना है जब मैं पेपर डिवाइडेशन कर रहा है, और मैं इसमें फाइव का स्केल लेके चल रहा हूं, तो मैंने क्या किया, यहां से उसको रखना स्टार्ट किया, मुझे ये इतना दिखाई दिया, तो जितना भी दिखाई दिया मैंने क्या किया, वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव। अब ये मेरा जो मार्किंग जो है फाइव पर यहां पर आ जाता है, ठीक है, फाइव जो मार्किंग है मेरा यहां पर आ गया। ये क्या चीज है, ये टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये मेरा टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट है जो मैंने यहां पर लिया। अब जो मेरा जो स्पेस है लेफ्ट रह गया, ये स्पेस मेरा लेफ्ट रह गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये फोर इंच है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू इंच अपर पोजिशन में छोड़ना है, टू इंच इसके लोअर पोजिशन में छोड़ना है, सेम इक्वल, वन पार्ट ऊपर आ जाएगा और सेकंड पार्ट इसका नीचे आ जाएगा। मानो उसको आप पार्ट ए एंड पार्ट बी का नाम भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से यहां तक एक लाइन लगाना है, फिर सेम वही लाइन आपको नीचे की साइड लगाना है, ये आपको ये दो इक्वल पार्टीशन कर रहे हैं, सेम ऐसा ही हम करेंगे किसके साथ, इसकी लेंथ के साथ। अब हमारा जो हाथ रखने का स्टाइल है वो क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा हाथ रखने का स्टाइल। अब ये मैक्सिमम जो पॉइंट है वो हमारा कहां रहेगा, बुक के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो हमें ये दोनों चीजें देखनी है। जैसे हमने हाथ किया, देखना स्टार्ट किया, तो टोटल फॉर एग्जाम्पल हमें ये इतना दिखाई दिया, और जितना भी हमें दिखाई दिया हमने क्या किया, उसको यहां से मार्क करना स्टार्ट किया, वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव, ये जो हमारा स्पेस है बच गया। अब इस बचे हुए फॉर एग्जाम्पल बचा हुआ जो स्पेस है, ये भी हमारा क्या चला, स्केल फाइव टाइम, ठीक है, ये भी हमने फाइव टाइम क्या लिया, लेंथ, ये हमारा क्या है फाइव टाइम, हमने उसका लेंथ मेजर किया है। अब जो स्पेस हमारे पास बच गया,
हम क्या कर रहे हैं उस बचे हुए स्पेस का भी इक्वल टू पार्ट कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आप इसको एक्स वाई का नाम भी दे सकते हैं, पार्ट ए बी का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे डजंट मैटर। हमें क्या करना है, बस इसके पार्ट करने हैं। और एक ध्यान रखना कि इसका एक पार्ट आप लेंगे, जैसे मान लो मुझे ये पार्ट मिला है, मैंने क्या किया इस पार्ट को यहां भी मार्क किया, क्योंकि वो सेम है, यहां भी मार्क किया और यहां भी मार्क किया, उसके हर कॉर्नर पर मुझे उसका मार्किंग किया और बोथ साइड इक्वल हमने इसमें लाइन डाल दी। इस तरीके से ये हमारा जो पेपर डिवाइडेशन का फर्स्ट रूल है। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या गिवन है, बुक की मैक्सिमम लेंथ और पोर्ट की मैक्सिमम विथ पोर्ट, पोर्ट एंड बुक की मैक्सिमम हाइट, ये दोनों चीजें हमें मिल गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बुक को बनाना है। बुक को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने इसकी टोटल दोनों साइड को मेजर किया था, अब हम इसकी कोई भी एक साइड, साइड एस पी एनी नेम, यू गिवन एनी नेम, हम इसमें क्या करेंगे एस और पी में से कोई भी एक साइड को मेजर करेंगे। मतलब हम इसको यहां से यहां तक मेजर कर सकते हैं, या यहां से इस साइड से और इस साइड को मेजर कर सकते हैं, कोई भी एक साइड हम उसका मेजर कर सकते हैं। ट्राई करना जो मैक्सिमम साइड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको ये एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप ये वाला साइड ज्यादा पहले मेजर कर लेंगे, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट में है चाहे वो राइट में है, आप इसका कम वाला जो पार्ट है वो बाद में करना। देखो हमने क्या किया, इसी तरीके से देखना है आपको, आपको क्या दिखाई देगा सामने से, ये वाला पोजीशन देन ये वाला पोजीशन दिखाई देगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम जैसे लिया, फॉर एग्जांपल मुझे वो इतना पार्ट दिखाई दिया, मुझे वो वन टाइम लिया, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम एंड देन फाइव टाइम, वो जब मैंने इसको फाइव टाइम लिया तो वो मेरा पॉइंट यहां पर आ ये, और मैंने एक लाइन क्रिएट कर दिया यहां पर, एक 90 डिग्री का एंगल डाल दिया यहां पर, मैंने क्या किया एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया जो मुझे पॉइंट मिला। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा पार्ट रहता है ये मेरा क्या आ गया यहां पर S, और यहां क्या रह गया P। अब मुझे करना है बुक की जो मैक्सिमम ब्रेथ है वो मुझे लेनी है, मुझे क्या करना है बुक की मैक्सिमम ब्रेथ लेनी है। लेने का तरीका भी क्या है, सेम इसी तरीके से मैं देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल वो इतना सा आएगा, जितना भी मुझे पॉइंट मिलेगा मैं क्या करूंगा यहां पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो मुझे मैक्सिमम जो है हाइट उसका 5 टाइम करने के बाद इतना मिला। देखो जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 टाइम, अब ये क्या है, ये बुक की हाइट है जो हमारे पास, ये वाला पोजीशन है, ये हमारे पास बुक की हाइट आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी मेथड में आपको समझाता हूं, हमें क्या करना है जो बुक की मैक्सिमम हाइट है उस हाइट को हम डबल कर देंगे। देखो जितना ये है सेम उतना ही डबल कर दूंगा, मैं आपको थोड़ा इजी वे समझा रहा हूं, ये डबल किया, अब डबल जितना है ना उतना ही सेम हमें यहां से लेना है और इस पार्ट पर भी मार्क करना है, देन यहां पर भी मार्क करना है, दोनों साइड आपसे मार्क कर देंगे और एक लाइन क्रिएट कर देंगे। देखो आपको क्या करना है, एक लाइन क्रिएट कर देना है, ठीक है, एक लाइन क्रिएट कर देना है, इस तरीके से आप एक लाइन क्रिएट कर देंगे दोनों साइड, यहां से उठाया और यहां पर आपने एक लाइन क्रिएट कर दिया जो आपकी ये लाइन आई है। अब इस लाइन को आप क्या करेंगे, देखो जितना ये है सेम उतना ही यहां पर मार्क कर देना है और इस साइड भी आपको उतना ही मार्क कर देना है, दोनों साइड उतना ही आप मार्क कर देंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि जितनी बुक की ये जो मोटाई है सेम मोटाई हम यहां भी मेजर करेंगे, सेम मोटाई यहां भी मेजर करेंगे, बट लेकिन क्या है पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये आपका अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, 1.9 हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है आपका 1.95 हो जाएगा, मतलब 0.5 इसमें हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसमें हम हो सकता है 1 पॉइंट ही कम कर दे अगर हम उसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, टॉप पॉइंट से इसे मिलाना है, बॉटम पॉइंट से ये मेजर कर देना है, सेम ऐसा ही इसी साइड भी हम करेंगे, यहां से लिया ये मेजर किया, यहां से लिया ये मेजर किया। अब आप पूछेंगे सर आपने इतना किया तो ये लाइन आपका क्यों लिया, हमने ये लाइन जो लिया है वो इसलिए लिया है कि हमें इसका सेंटर चाहिए, वो सेंटर हमें यहां पर चाहिए। ये जो चीज है वो आप आइडिया से भी कर सकते हो, आप विद मेजरमेंट भी कर सकते हो, ये जो सेंटर है वो लगभग मेरा यहां पर आ गया,
मैंने क्या किया, जो मेरा सेंटर आया था उस सेंटर से एक एंगल क्रिएट किया। अब जो ये एंगल क्रिएट किया है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इस एंगल को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? अब आप बोलोगे कि सर आपने यहां पर 3 पार्ट किए, वैसे आप 5 का स्केल लेके चल रहे हो। बच्चे अगर 5 का स्केल है देन तब भी 3 पार्ट में होगा, आप 10 का स्केल लेंगे, 9 का स्केल लेंगे, 7 का स्केल लेंगे, तब भी आप इसी लाइन के इक्वल 3 पार्ट ही करेंगे। जब ये 3 पार्ट में हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसका 1 पार्ट मुझे करना है और उसको 2 टाइम बाहर मार्क कर देना है। कितने बार? 2 टाइम, उसको आप 2 टाइम मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमने 3 टाइम मार्क किया था ना, यहां पर हमने 2 टाइम मार्क किया। जो हमें ये वाला पॉइंट मिला है यही हमारा लास्ट पॉइंट है जब हमारा जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये अब हमारा जो बुक है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम एक बुक को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है वो हम रिमूव कर लेंगे। ये हमारी सारी एक्स्ट्रा लाइन है, पहले आप क्या कर सकते हो, इस एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा एक्स्ट्रा है, ये लाइन भी हमारी एक्स्ट्रा है, यहां से ये वाला जो पार्ट है वो भी आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्टीशन है वो हमारा एक्स्ट्रा है। अब हमें क्या है, इस साइड जो पेजेस जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ बनाने का तरीका समझा रहा हूं, जो इसमें शेडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो बनाने का तरीका, यहां से हल्का सा कर्व शेप रहेगा क्योंकि वो पेजेस का पार्ट है। ठीक है, इतना शार्प पार्ट नहीं होता, यहां भी हमें हल्का सा कर्व शेप ही रखना है, बिल्कुल माइनर सा कर्व शेप हमें रखना है। ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमारा ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है जहां पर हमारा पेजेस नहीं है। ठीक है, जो पेजेस नहीं है वो पोजीशन हमारा ये है, ये वाला पोजीशन है जहां पर उसका कवर है। जो पेजेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बार लाइन लगा के छोड़ रहे हैं, ये हमारा जो पेजेस वाला पोजीशन है। ठीक है, यहां हमका सर ये कर्व शेप बन जाएगा, लिटिल बिट कर्व शेप आपको डाल देना है। अगर मान लो इसका बुक का पेपर है वो ऊपर की साइड है सपोज, तो आप इस पेपर को यहां से थोड़ा सा ये इस तरीके से उठा हुआ भी शो कर सकते हो, ये बुक का पोजीशन आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पोजीशन आपको बुक में दिखाना है। अब आता है हमारा कोड, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, अब हम करेंगे कोड। अब पहले हमने क्या किया था, टोटल हाइट लिया था, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट का टोटल हाइट लेना है। ये जो हाइट है हमें क्या किया, सिर्फ इसी तरीके से देखा, पोर्ट का हाइट लेने से पहले हमें क्या करना है, वैसे सारा मेजरमेंट में होता है बट टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो हम क्या करेंगे, पहले पोर्ट का देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि लगभग ये बुक के किस पार्ट पे रखा हुआ है। सपोज मान लो ये बुक का यहां पर रखा हुआ है, हमें ये चीज इतना ले लेना है, यहां से हमने इस चीज को लिया, हमने इसको इतना लिया, बाद में हमने इसको इतना लिया, यहां से हमने ये वाला पॉइंट ले लिया यहां पर। ठीक है, अब हमें इस लाइन के ऊपर क्या करना है कि इसकी हाइट लेना है, जितना भी हमें हाइट चाहिए उसका जो हाइट है वो हम यहां से ऊपर से नीचे की साइड मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की साइड। तो यहां से हमने मेजर करना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, वो 5 हमारा यहां पर आ। ठीक है, मैंने ऐसे मार्किंग किया और 5 जो पॉइंट है मुझे यहां पर मिल गया। ये क्या है, ये हमारे पोर्ट की हाइट है, जो हमें पोर्ट की हाइट चाहिए थी। अब हमें क्या करना है, इसके टॉप पोजीशन पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमें अब इसका ये ब्रेथ लेना है। ठीक है, जितना भी आपको ब्रेथ दिखाई दे रहा है आप उसका इतना ब्रेथ लेंगे। लेने के बाद आप क्या करेंगे, फर्दर अदर प्लेस पे इसको मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ये इतना दिखाई दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये उसका टॉप पोजीशन इतना आ गया। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन पर 2.5 इस साइड ले लेना है और 2.5 इस साइड ले लेना है। आप ये मोस्ट ऑफ द काम स्केल से नहीं करेंगे, विदाउट स्केल करेंगे, अपने आइडिया से, अपना गैस से करेंगे। तो ये मान लो अपना मैक्सिमम इस पोर्ट का ऊपर का टॉप पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका नेक का पोजीशन देखना है। तो नेक का पोजीशन लगभग आपका क्या है, यहां पर रहेगा, ये नेक का पोजीशन लगभग आपका यहां पर रहेगा, ये वाला पॉइंट, वो सिर्फ मैं आइडिया से कर रहा हूँ। ठीक है, नेक का पोजीशन हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, फिर आपको देखना है कि इसका ये वाला जो ये इसका जो पेट बाहर निकला हुआ है, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो स्टमक पार्ट है वो इसका लगभग यहां पर आ गया। ठीक है, और बेस लाइन जो है वो लगभग यहां पर आ गया। ये 3-4 पॉइंट हम लेंगे, उसके बाद हमारा ये पोर्ट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहां से इसके ऊपर में यहां से हमें एक कर्व शेप डालना है जो ओवल शेप बनाएगा आपका।
ये ओवल शेप बनेगा। ये ओवल शेप बनने के बाद इस तरीके से आप एक लाइट हैंड से ओवल शेप बनाएंगे, फिर हमें क्या है इसके थोड़ा सा अंदर आई लेवल से कम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीट लाइट जो है वो आई लेवल से कम रहेगा, इसलिए हमें इसके ऊपर का पोजीशन दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज बनाएंगे, फिर हमें क्या करना है इसी के अंदर लेते हुए एक लाइन और लगाना है जो ओवल शेप है, यहां पर ये पॉइंट यहां मिलेगा, ये पॉइंट अपना यहां मिल जाएगा, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ये लाइन भी हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा एक बार के लिए। जब नेक बनाएंगे तब मैं और बताऊंगा आपको, अभी के लिए हमें इसको रिमूव करना है। फिर क्या करना है, यहां से ये जो हमारा नेक के लिए हल्की सी कर्व लाइन है वो हमें इस साइड भी लगानी है और इस साइड दोनों साइड हमें ये लाइन लगा देनी। अब हम इसका जो ऊपर का पोजीशन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से हमने क्या किया ये लाइन लिया, ये कर्व शेप चलेगी, धीरे धीरे इस लाइन को कर्व शेप देते हुए हम ये लगा देंगे, फिर सेम इसी को फॉलो करते हुए हमारा ये पैटर्न चलेगा, यहां से धीरे धीरे ये लाइन चलेगी और ऐसा ही ऊपर का टॉप पोजीशन रहेगा हमारा, धीरे धीरे हमें इसके टॉप पोजीशन को बनाना है, सेम यही चीजें हमें फॉलो करनी है, एक्स्ट्रा लाइन जो है वो हम रिमूव कर देंगे, ये एक्स्ट्रा लाइन हमारा रिमूव हो गया। अब हमें इसके नेक के पोजीशन को लेना है, यहां पर भी हमारा एक ओवल शेप ही रहेगा, ये ओवल शेप है, यहां से ये जो लाइन है वो डबल है, वो हमने डबल बना दिया। फिर क्या करेंगे, यहां से हमें इस लाइन को टच करते हुए एक कर्व लाइन लगाना है, सेम ऐसा ही इसको ऊपर से देखो ये फॉलो करते हुए इस लाइन को नीचे लेके आएंगे और यहां तक हम ले आएंगे, इसको हम इस तरीके से लेके आएंगे, ठीक है, ये लाइन हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके बेस के पास, इसके बेस के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप ही लगाएंगे, ये ओवल शेप ही आएगा। अब जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है वो हम इरेज कर देंगे, ये सारी की सारी जो है हमारी एक्स्ट्रा लाइन है, हमें बुक को पहले प्रॉपर बनाना है और ये हमारी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम रिमूव कर देंगे। अब आता है हमारा बॉक्स का पॉइंट, बॉक्स को भी हमें उसी तरीके से मेजर करना है, मेजर करने के बाद क्या करना है हमें इस बॉक्स की हाइट लेनी है, मान लो सपोज आपकी ये बॉक्स की हाइट यहां इसके साथ यहां पर टचिंग है, तो हमने क्या किया एक लाइन लगा दिया और उसके बाद क्या किया बॉक्स के लिए भी हमने इसका सेंटर लेते हुए मार्किंग लाइन लगा दिया। अब जितना हमारा बॉक्स है उतना ही हमें क्या करना है मार्किंग करना है और वही सेम स्केल रहेगा 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, ये हमारा 5 टाइम लगभग यहां पर हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, बॉक्स का जो ये मैक्सिमम हाइट है ना, यहां से अगर वो इसके आगे है या उसके साइड में है, ठीक है, तो उसी तरीके से हमें उसको बनाना है, सपोज मान लो उसके थोड़ा आगे रखा हुआ है तो हमें क्या करना है इसके ऊपर के पॉइंट के लिए ये ओवल शेप हमें यहां पर लेना है, ये ओवल शेप लिया, उसके बाद हमें क्या किया स्ट्रेट लाइन बोथ साइड, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन और यहां पर भी हमें ओवल शेप ही लेना है, ये ओवल शेप हमने लिया, ओवल शेप लेने के बाद जस्ट इस लाइन को रिमूव करो ताकि हम उसका डिजाइन बना सके, ठीक है, यहां से हमने क्या किया एक हल्का सा लाइन लगाया और यहां पर जो उसकी नेक के ऊपर डिजाइन बना हुआ है वो डिजाइन हमने क्रिएट कर दिया, इस तरीके से वो डिजाइन बन गया, बाद में ये जो लाइनिंग है वो आपकी रिमूव कर सकते हो आप। अब आता है हमारा इसके ये वाला जो पोजिशन है, यहां पर क्या है वो हल्का सा ये पॉइंट यहां पर है, छोटा सा ये पॉइंट यहां पर है और इसके साथ भी हमारा एक लाइन और लगी हुई है। अब इसका लिटिल बिट पार्ट जो है वो कर्व शेप के साथ होते हुए बाहर की साइड, इस साइड भी हमें बाहर रखना है, इस साइड भी हमें बाहर रखना है और यहां से भी आप ऐसे ओवल शेप के साथ ही इसको ड्रॉ करेंगे, ये ओवल शेप के साथ ही ड्रॉ होगा। फिर क्या करेंगे, यहां से हमारी स्टैंडिंग लाइन ये चलेगी और इस साइड भी हमें क्या करना है ये स्टैंडिंग लाइन चलेगी, दोनों साइड में स्टैंडिंग लाइन, बाद में ये वाली जो लाइन है वो यहां से रिमूव हो जाएगी, ये लाइन भी है वो भी हमारी रिमूव हो जाएगी, जो बुक की लाइन है ये पोर्ट की एक्स्ट्रा लाइन है ये भी हमारी रिमूव हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे का पोजीशन बनाना है, उसके लिए क्या है ये लिटिल बिट पार्ट जो है वो थोड़ा बाहर की साइड यहां निकला हुआ है, थोड़ा बाहर यहां निकला हुआ है और यहां पर भी हमें ओवल शेप ही लेना है, क्या लेना है ओवल शेप ही हमें यहां पर लेना है, ये ओवल शेप आ गया प्लस इसके पास हमें यहां पर ये लाइन है ये भी ओवल शेप में लेनी है और इस लाइन को हम यहां से इरेज करेंगे, ये लाइन हमारी यहां से इरेज होगी। अब इसके ऊपर जो भी लेवलिंग लगी हुई है वो हमें यहां पर लेनी है, जैसे मान लो ये लेवल लगा हुआ है इसमें कुछ इस तरीके से साइन बना हुआ है या कुछ राइटिंग मटेरियल है तो हम वो राइटिंग मटेरियल करेंगे, बाद में जितनी भी अपनी लाइन्स है वो इरेज कर देंगे। अब हमारा इतना बनने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स है जो एक्स्ट्रा नंबरिंग है वो सब हम इरेज कर देंगे, इस तरीके से जो हमारा एक स्ट्रीट लाइट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।